दुनिया में सबसे शक्तिशाली देशों में शुमार रूस ने धरती की सबसे बड़ी हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है। रूस ने दावा किया है कि हाल के परीक्षण में उसका नया हाइपरसोनिक 3M-33 जिरकॉन एंटीशिप मिसाइल ने 8 मैक यानी 9900 किलोमीटर के प्रति घंटे की रफ्तार हासिल की है। अगर ये दावा सही है तो अब ये मिसाइल इस धरती की सबसे तेज हाइपरसोनिक मिसाइल बन जाएगी। रूस की सरकारी मीडिया ने कहा कि परीक्षण के दौरान इस मिसाइल ने 8 मैक की स्पीड हासिल की है। हालांकि रूस के इस दावे के बाद पश्चिमी देशों के एक्सपर्ट्स ने रूस के दावे पर शक जताया है, क्योंकि दिसंबर 2016 में रूस ने दावा किया था कि जिरकॉन की स्पीड 5 मैक यानी 6200 किलोमीटर प्रति घंटा है। हाइपरसोनिक हथियार जैसे कि मिसाइल और एयरक्राफ्ट ही 5 मैक से ज्यादा की स्पीड हासिल कर सकते हैं। जिरकॉन की रेंज 450 किलोमीटर है। 3M-33 जिरकॉन के वॉरहेड के वजन का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन कयास है कि ये भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के 200 किलोग्राम वजन से ज्यादा होगा। माना जाता है कि ब्रह्मोस 2 ही 3M-22 जिरकॉन का एक्सपर्ट वर्जन है। ब्रह्मोस 2 की स्पीड 7 मैक यानी 8600 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये सबसे तेज क्रूज मिसाइल है। चीन इन लिंक्स।